शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। सर झुकाकर चलना सीखो। तुम अमीर लोग तो सिर्फ गरीबों को झुकाना जानते हो, खुद झुकना नहीं जानते। लेकिन ये ऊपर वाले का उसूल है, जो ऊंचा उड़ता है वो नीचे गिरता है। सर चलो। अरे माँ, वहां क्यों खड़ी है? इधर आ। आज तेरा बेटा तेरे लिए बहू लेकर आया है, दोनों को आशीर्वाद नहीं देगी? झुक झुक जियो, सदा सुखी रहो बेटा। कंचन, जानती हो ये कौन है? ये वो औरत है जिसने तुम्हारे पति को जन्म दिया। मेरे लिए इनका दर्जा इस घर में भगवान के समान है। अगर ये मेरे लिए भगवान है तो तुम्हारे लिए भी भगवान है। जाओ, भगवान के चरण छूकर आशीर्वाद दो। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत। तू चुप रह मां, क्या इरादा है? मुबारक हो, मुबारक हो। जिंदगी में पहली बार सर और शरीर झुका है। लीजिए मालिक। आज कुछ मीठा नहीं बना है? मालिक, मीठा तो आप उस दिन खाते हैं जब किसी से बदला लेना होता है। फिकर मत करो चंडी मामा, मुंह मैं मीठा कराऊंगा। रवि, तुम? हाँ मैं। आपके लिए मिठाई लाया हूँ, माँ ने खास कर भिजवाई है। माँ का कहना है ये शादी सिर्फ आपके कारण हुई है, वरना नामुमकिन थी। भगवान इस गांव की हर माँ को तुम्हारी माँ की तरह समझदार बना दे, जो खुशी के किसी भी मौके पर अपने भाइयों का मुंह मीठा करना नहीं भूलती है। मेरी माँ समझदार नहीं है, भोली है, इसलिए तुम्हें पहचान ना सकी। लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खास तोहफा अपनी तरफ से लाया हूँ। अपनी तरफ से? क्या है इसमें? खोल कर देख लो। ये तो खंजर है, मुझे क्यों दे रहे हो? ताकि मेरी पीठ पर घोंपने के लिए तुम्हें खंजर तलाश करना ना पड़े। वैसे तो लोगों की पीठ पर वार करना तुम्हारी पुरानी आदत है। तुमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मुझे जलील करके इस गांव से निकाल दिया जाए, लेकिन तुम अपने शैतानी इरादों में कामयाब ना हो सके। तुम्हारी शिकस्त हुई। मेरी अच्छाई और मेरी ईमानदारी ने तुम्हारे नापाक इरादों को कुचल कर रख दिया और मैं जीत गया। तुम्हारी बकवास खत्म हो गई, अभी कहना कुछ बाकी है? कहने के लिए तो इस दिल में इतना लावा भरा है कि सुनते सुनते तुम्हारे कानों के पर्दे जलकर खाक हो जाएंगे। नहीं, बल्कि अगर मैं सच्चाई बयान करूंगा तो तुम्हारे हाथों से होश के तोते उड़ जाएंगे। रवि बाबू, अगर तुम समझते हो कि इलेक्शन तुमने अपनी काबिलियत के बल पर जीता है तो तुम बेवकूफ आदमी हो, और तुम्हारी कम अकली भी मुझे रोना आ रहा है। क्या मतलब? मतलब ये है जनाब रवि साहब, कि आप इलेक्शन जीते नहीं बल्कि जिताए गए हैं। जिताया गया? जी। अगर आप अपनी याददाश्त पे जोर डालेंगे तो आपको याद आएगा कि वो मैं था जिसने तुम्हें ठाकुर के खिलाफ इलेक्शन लड़ने पे उकसाया। वो मैं था जिसने उस दीदी ठाकुर से एक बेहूदा और निकम्मे दस्तावेज पे दस्तखत करवाए। वो मैं था जिसने सारे गांव को इलेक्शन से पहले ठाकुर का तरफदार कर दिया ताकि वो दस्तावेज पे दस्तखत करने से मुकर ना जाए। और फिर वो मैं था जिसने एक रात में सारे गांव को ठाकुर के खिलाफ कर दिया और तुम इलेक्शन जीत गए। तुमने किया? हाँ मैंने किया। मगर क्यों? इस क्यों का जवाब बहुत दर्द में डूबा हुआ है। क्या है, मंदिर से आने में कितना वक्त लगा दिया? नहीं भैया, मैं मंदिर नहीं गई थी। मंदिर नहीं गई थी, फिर कहाँ गई थी? भैया आप नाराज मत होना, मैं छोटी ठाकुर सूर्य प्रकाश सिंह से मिलने गई थी। सूर्य प्रकाश से? हाँ भैया। क्यों? हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने आपको बड़े ठाकुर के पास पैगाम लेकर जाने को कहा है। ये कैसे मुमकिन है? माना कि हम लोग भी ठाकुर हैं, मगर हम लोग गरीब हैं, हम लोग बेहद अमीर हैं। हमारे पास भैया पहल मैंने नहीं की थी, पहल उन्हीं की तरफ से हुई थी। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, कहते हैं दुनिया इधर की उधर हो जाए मैं शादी तुम्हीं से करूंगा। गीता, ठीक है, अगर ऐसा है तो उससे कहो कि अपने बड़े भाई से शादी की बात करें। फिर भैया वो बड़े ठाकुर से बहुत डरते हैं, इसलिए ये काम आप ही को करना होगा। ये क्या बात है, शादी का वादा भी करता है और बड़े भाई से भी डरता है?
अजीब बात है। भगवान के लिए जाओ भैया, जितनी जल्दी हो सके हमारी शादी करवा दो। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, अगर और ज्यादा देर हो गई तो मुझसे जिया नहीं जाएगा भैया। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है भैया। भगवान, हे भगवान, मैंने एक बार मुझे, तू चिंता मत कर, मैं जाऊंगा। उदास, इतना नीच रिश्ता लेकर हम सूर्यवंशी ठाकरों की हवेली के अंदर आने की हिम्मत कैसे की तुमने? ये हिम्मत मुझे ठाकुर साहब उन दोनों बच्चों के प्यार ने दिलाई, और दोनों दूसरे को बहुत चाहते हैं। सूर्य प्रकाश जी, भैया ये भिखारी क्या बकवास कर रहा है? ये कहना चाहता है कि तुम इसकी बहन से प्यार करते हो, क्या ये सच है? हाँ भैया, मैं गीता से बहुत प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। खामोश, जो लड़की इस घर की नौकरानी बनने के काबिल नहीं, तुम उस नीच लड़की को सूर्यवंशी ठाकुर खानदान की बहू बनाना चाहते हो? जो लोग हमारी चौखट के बाहर खड़े होकर भीख मांगने के काबिल नहीं, तुम उन्हें हमारे रिश्तेदार बनाकर हवेली के अंदर लाना चाहते हो? बकवास बंद करो और जाओ अपने कमरे में, जाओ मैं कहता हूँ। और तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? तुम भी जा सकते हो। ठाकुर साहब, मेरी मासूम बहन के गर्भ में आपके भाई का बच्चा है। ये बहुत पुरानी चाले है चंडीदास, कि पहले ठाकुर खानदान के बीज को पेट में उगालो, फिर धमका कर अपनी बेटी अपनी बहन को उस खानदान की बहू बना दो। गरीबों की बेटियां ठाकुरों के बच्चों की माँ बन सकती हैं, मगर उनकी बीवियां नहीं बन सकती। ऐसा जुल्म मत कीजिए, मेरी एक ही बहन है, उसके लिए मैं आपसे दया की भीख मांगता हूँ। भगवान ने आपको भी एक बेटी दी है, अपनी बेटी की खुशियों के सदके में मेरी बहन की झोली में भीख डाल दीजिए। बस मामा बस, तुम अपनी बहन को प्यार करते हो ना? हाँ। इसी तरह हर भाई अपनी बहन को जान से ज्यादा प्यार करता है बेटे। उस दिन से मैंने कसम खाई कि मैं उस ठाकुर से बदला लूंगा। मैंने प्रतिज्ञा ली कि मैं उसका सारा गुरूर सारा घमंड निचोड़ कर रख दूंगा, उसके अहंकार के छीतड़ उड़ा दूंगा। क्योंकि मैं जानता था कि ठाकुर की भी एक बेटी है, एक दिन वो भी जवान होगी, और उस बेटी की जवानी की तलवार से मैं उस मगरूर ठाकुर के घमंड को काटकर उसके कदमों में डाल दूंगा। मैं ठाकुर के करीब पहुंचने लगा उसका विश्वास जीतने के लिए, ताकि एक दिन दीमक बनकर मैं उसे खोखला कर दूं। राज, लगातार 10 साल के इंतजार के बाद मैं अपने मकसद में कामयाब हुआ हूं। मगरूर ठाकुर जो गरीबों से नफरत करता तेरे, आज उसकी अपनी बेटी एक गरीब की बीवी बनकर महलों से झोपड़े में पहुंच गई है। बेटा, महलों से झोपड़े में पहुंच गई है। तो महान हो मामा, सचमुच महान हो। हाँ बेटा, महान तो तुम हो, मैंने तो सिर्फ अपनी बहन का बदला लिया है, अगर तुम तो गांव की हर बहन का बदला ले रहे हो, गरीबों का बदला ले रहे हो। गरीबी गरीब की बहन होती है, और तुम गरीबी की इज्जत का बदला ले रहे हो बेटे, गरीबी की इज्जत का बदला ले रहे हो। भाभी मत कहो मुझे भाभी। अरे भड़कती क्यों है? भाभी को भाभी नहीं कहेगी तो क्या चाची कहेगी? चलो कुछ खाना खा लो। नहीं चाहिए मुझे खाना। देखो दोपहर को भी आपने भीड़ भाड़ की वजह से कुछ भी नहीं खाया, अभी तो कोई नहीं है, सब चले गए, कुछ खा लो। अरे अभी नहीं खाएगी, पति के झूठे बर्तन में खाना पत्नी का धर्म होता है, वो मेरे झूठे बर्तनों का इंतजार कर रही है। जा तू और माँ खा ले, जा। भाभी भूखी रहे और हम खा ले, ये कभी हो सकता है? भूख और फाके सहने की आदत तो हमें है, भाभी को तो नहीं।
इसे तो बद आदमी सहन करने की आदत पड़ गई है। मत कहना रे, जब आते कुल बुलाएंगी और पेट में चूहे दौड़ेंगे ना, अपने आप पता चल जाएगा कि भूख क्या चीज होती है। मुझे पता चले या ना चले, इसकी किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, मतलब नहीं खाऊंगी। आपका इस घर पर पहला हक है, आप नहीं खाएंगी तो हम भी नहीं खाएंगे। ये आप क्या लगा रखा है? तेरी बहू है, तू बोल तू, ये आप क्या होता है? तू चुपचाप खाना खा। मैं तो खाना खा रहा हूँ। ओ क्या खाना है, अमृत है अमृत। अदम जमा, तेरे हाथ में तो जादू है। बड़ा बदकिस्मत है वो जिसने तेरे हाथों का खाना खाने से इनकार कर दिया। डकार भी क्या शानदार आई है, ऐसा लग रहा है कि पेट में शेर कव्वाली गा रहा है। कहते हैं सुहाग रात औरत की जिंदगी की सबसे कीमती रात होती है। उसके चेहरे पे पड़ा हुआ घूंघट उसके हाय की निशानी है, जिसे उसका पति उठाता है और जिंदगी की नई सूरत दिखाता है। लेकिन तुम तो आधी हिंदुस्तानी हो आधी इंग्लिस्तानी हो। गुरूर तुम्हारा जिवर है और जिद तुम्हारी हाया। मैं तुम्हें भले ही पसंद ना हूं लेकिन तुम मुझे बहुत पसंद हो, और खासकर तुम्हारी जिद। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं खुद भी बहुत जिद्दी हूं। बच्चन, अमीरी गरीबी का मेल है हमारा ये मिलाप। अमीर गरीब समझ बुझ कर प्यार से एक हो जाएं, इसी का नाम है सोशलिज्म। मैं भी कितना बेवकूफ हूं, तुम चुप हो और मैं बोले जा रहा हूं। तुम भी बोल सकती हो लेकिन तुम बोलना नहीं चाहती। ऐसे मौके पर लड़कियों का शर्मा जाना लाजमी है। शायद तुम भी शर्मा रही होगी यही सोचकर कि किस गवार जाहिल से पाला पड़ गया। खैर छोड़ो इन बातों को, आओ। मत छुओ मुझे। अगर तुम सचमुच एक गैरतमंद इंसान हो तो बिना मेरी रजामंदी के मुझे छुओगे नहीं। ये मंगलसूत्र मुझ पर लाद दिया गया है, जबरदस्ती लाद दिया गया है। लेकिन एक बात याद रखना, इस जन्म में मेरा दिल तुम्हें पति स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। मैंने तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहनाया, इस लिहाज से आज की रात जबरदस्ती करके भी मुझे पति का अधिकार पाने का हक है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। जब तक तुम अपने दिल से मुझे पति स्वीकार नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। अपनी मां के चरणों की सौगंध।